हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज टी एंड यू आर वॉचिंग एज यूजुअल ऑनलाइन मनी। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ और ये है पार्ट 5 फेसबुक एड्स की। क्यों बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ? एज यू नो, ऑल की हेल्थ इश्यूज मेरे थोड़े चल रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम में मैं चल रहा हूँ। और जो मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट करते रहता हूँ, जब जब मुझे टाइम मिलेगा या जब जब मेरी जो तबीयत है थोड़ी अच्छी लगेगी मुझे, मैं आपके लिए वीडियोस लेके आते रहूँगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। और गाइज, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो या चैनल पे पहली बार आए हो, तो मस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करो, ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस मिल सके जो आपको एजुकेशन दे सके। राइट, इंटरटेनमेंट एक अलग चीज़ है, ये इंफोटेनमेंट चैनल है जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिलती है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि अभी हम लोग का चल रहा है फेसबुक एड्स मास्टरी का कोर्स, तो यहाँ से 4 पार्ट हो चुके हैं, ये पांचवा पार्ट है जिसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। और ये कोर्स मैं ऐसा डिज़ाइन किया हूँ कि कोई भी न्यूबी, मतलब अगर वो बंदा फेसबुक एड्स के बारे में कुछ जानता भी नहीं है, तब भी वो फेसबुक एड्स चलाना स्टार्ट कर देगा आफ्टर एंडिंग दिस कोर्स। यस गाइस, इस तरह मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया है। तो आज ये पांचवा पार्ट है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि आपको किन चीज़ों की जरूरत है फेसबुक एड्स रन करने के लिए। तो गाइस, सबसे पहला जो चीज़ होता है उसको बोलते हैं फेसबुक पेज। अब मान लो आपका कोई भी नीश है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका नीश जो है या माइक्रो नीश है, तो उसका एक पेज होना चाहिए, फेसबुक पेज होना चाहिए। या आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो तो आपका भी एक फेसबुक पेज होना चाहिए, तभी आप जाके रन कर पाओगे एड अपने किसी भी प्रोडक्ट या पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। जो नेक्स्ट चीज़ है, जीएसटी नंबर है। जीएसटी नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कहीं से भी किसी भी सीए से कंसल्ट करके बनवा सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको टैक्स में थोड़ी बचत हो जाती है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप अगर 2000 रुपये ऐड करते हो अपने ऐड अकाउंट में और उसका ऐड रन करना चाहते हो, तो 18% उसमें से कट जाएगा। राइट, तो ऐसे करके आप 18% तो दोगे ही, बट अगर आप मान लो किसी प्रोडक्ट के लिए एड रन कर रहे हो, राइट, मतलब मान लो कोई चीज है, मान लो ये पेन ही है जिसको आप सेल करना चाहते हो और इसके लिए आप एड रन कर रहे हो, और इस पेन से रेवेन्यू आपका आता है 600 रुपए, 700 रुपए, या 800 या 1000 रुपए, मान के चलते हैं 1000 रुपए आता है, तो आपको पूरा 18% आपको गवर्नमेंट को देना है। तो उसमें क्या होता है, दोनों का प्लस करके माइनस कर दिया जाता है 18%, बिकॉज आपके पास जीएसटी कार्ड रहता है, तो आप डायरेक्ट से गवर्नमेंट को 18% ही पे करते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको जब समझ में आएगा, जब आप जीएसटी नंबर लेने जाओगे तो वो आपको सीए पूरा समझाएगा कि ऐसे ऐसे तामझाम है। ठीक है, मैंने भी इसको नहीं लिया है, बिकॉज एक समय मैं लेने गया था, बट उस समय मेरे पास पैन कार्ड का थोड़ा प्रॉब्लम था, मतलब कुछ चीज़ें थी डॉक्यूमेंट उसका थोड़ा प्रॉब्लम था जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, तो उसका थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मैंने उस समय से बनाया नहीं, बिकॉज मेरा उतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल पड़े, और वैसे भी अपन बहुत अमीर है यार, अपन दे देते हैं 36%। ओके, सो जस्ट मजाक कर रहा हूँ। अगर आपका बहुत ज्यादा रेवेन्यू है तो आप बना सकते हो, सिक्स फिगर अगर आपका रेवेन्यू है या उससे ऊपर है, तो आप मस्ट जीएसटी नंबर बनाओ, बहुत ज्यादा टैक्स बच जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जीएसटी अगर आप बनाओगे तो बहुत अच्छा खासा टैक्स बच जाता है। अब एड अकाउंट, जैसे कि एड अकाउंट, ठीक है, एड अकाउंट में दो चीजें होती हैं, पहला होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है बिजनेस अकाउंट। अब पर्सनल और बिजनेस दोनों अलग चीजें हैं, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कि पर्सनल में क्या डिफरेंस होता है और बिजनेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कैसे दोनों वर्क करते हैं। ठीक है, तो एड अकाउंट भी आपके पास होना जरूरी है, अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आज ही आप इन चीजों को बना सकते हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं पेमेंट मेथड। बहुत सारे ऐसे एड अकाउंट है फेसबुक में जिसमें अलग अलग पेमेंट मेथड है, पेटीएम भी है कहीं पर डेबिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड सबके में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिसमें पेटीएम और आपका डेबिट कार्ड का बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, तो अब आप इन दोनों का भी यूज़ कर सकते हो। और जो बिजनेस अकाउंट है उसमें सिर्फ क्रेडिट कार्ड का ही ऑप्शन होता है। ठीक है, तो इसमें दो तीन मेथड है आपके पास पेमेंट करने के। लास्ट जो चीज़ है लैंडिंग पेज, कोई भी चीज़ आप रन करो उसके लिए आपको ऐड बनाना पड़ेगा, और ऐड बनता है लैंडिंग पेज में। ठीक है, सॉरी,
जो आप ट्रैफिक ड्राइव करोगे वो जाता है लैंडिंग पेज में, तो आपको लैंडिंग पेज चाहिए ही चाहिए। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हो, पर्सनल ब्रांडिंग करने जा रहे हो, तो वहाँ आप कंटेंट को प्रमोट करते हो। बट अगर आप किसी प्रोडक्ट को शेयर करने जा रहे हो, मतलब सॉरी जिसका एड चलाने जा रहे हो या किसी की हेल्प करने जा रहे हो, तो वहाँ आपको लैंडिंग पेज लगेगा ही लगेगा। मतलब आपको ये जो 5 चीज़ें हैं इन पे बहुत जरूरी है फोकस करना, काम करना और इनको रेडी करना नेक्स्ट आने वाले वीडियोस को फॉलो करने के लिए। तो इन 5 चीजों पे काम करो। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछो, और भी कोई क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पर्सनल है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। जय हिंद।